फ्रेंड्स वेलकम बैक टू डिस्टर्बेंस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस डोंट डिस्टर्ब मी हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। आज का हमारा व्लॉग हमारी मम्मा के साथ है क्योंकि हमारी मम्मा बड़ी हार्ड वर्किंग है और पीछे जो लोग उछल उठ उठ के देख रहे हैं उनको इग्नोर करें और अंदर वाले लोग बोले कि हमें व्लॉग में नहीं लिया जा रहा है, किस किस को एक बार में मैं कैप्चर करूं भाई, इतना सा फोन है उसमें दो से तीन लोग ही आ सकते हैं, जो आ गया वो ठीक है जो रह गया वो उछलता रहेगा। अरे 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 ओ हाँ यस यस हेलो गाइस वेलकम बैक। हाँ क्यों रोई रोई की हेलो गाइस गाइस मम्मी सुबह सुबह कर रही हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम, आपको कुछ दिख रहा होगा अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे, ये परीक्षित का फोल्टी था। ए परीक्षित कर दिया काम परीक्षित, व्हाट इज दिस, अभी बनाना खाया फिश कर दिया। हेलो गाइस इज परीक्षित पंघाल। तो गाइस सुबह का टाइम है, सुबह का तो क्या ही है 10 बज गए हैं और अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी, इसके बाद आज अमावस है तो उसके लिए अमावस के लिए तैयारी चल रही है घर पे, अमावस की जो भी रोटी वोटी निकालते हैं वो निकालेंगे उसके बाद कहेंगे अपना डेली का। ब्रेकफास्ट में इधर हमारा पोहा बना है, कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे, उसके बाद में आज बंटी काफ़ी काम करेंगी, ये सारा जो बिखरा पड़ा हुआ है इसको समेटेंगी क्योंकि संडे इसी में निकल जाता है और मेरे को संडे को भी ऑफिस का काम करना है, सैटरडे को नहीं करने दिया आपने इसलिए आज करूँगा। और आज बंटी को बनानी है बहुत सारी वीडियो, यस रील्स भी बनानी है कुछ। जय जय। तो गाइज हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, कोल्ड कॉफी प्लस पोहा, मैं स्पून नहीं लाया, हवा बहुत अच्छी चल रही है स्पून नहीं। ओए वाओ कितनी मस्त हवा चल रही है और ये बिल्कुल जस्ट हमारे सामने नीम का पेड़ है जिसके नीचे गाड़ी खड़ी रहती है, धूप भी नहीं आती गाड़ी को। इधर परीक्षित मम्मी और मैं हो जाता हूँ साइड में, नहीं तो परीक्षित रोने लग जाएगा। बंटी ने शुरू मेरे बिना, अरे भाई अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब चलता है, मतलब प्यार गया भाड़ में, गली में हलचल होने लग जाती है, प्यार गया तेल लेने। देख लो भाई ये जमाना। तो गाइज अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है और मैं आपको बता देता हूँ, आज मैंने सैंपल कलेक्शन वाले को बुलाया है, मतलब महीने में दो या तीन बार कलेक्शन हो ही जाता है कभी किसी का कभी किसी का, और आज जो कलेक्शन होगा वो होगा बंटी का। और बंटी ने मतलब कि किसी ने एडवाइस नहीं किया, डॉक्टर ने भी नहीं बोला, बस बंटी को खुद ही लग रहा था कि थायराइड का टेस्ट करवा लेते हैं, प्रेगनेंसी के बाद करवाना चाहिए, तो अभी आज करवाते हैं और फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। वैसे लग तो नहीं रहा आपको देख के, बाकी रिपोर्ट्स बताएंगी। तो अभी आएंगे सैंपल कलेक्शन वाले, जैसे ही वो सैंपल कलेक्शन करके लेके जाएंगे, रिपोर्ट तो शाम तक आएगी ना, शाम को रिपोर्ट आएगी फिर देखते हैं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, भैया का इंतज़ार है कलेक्शन वाले का, और अभी हम कर लेते हैं थोड़ा काम। तो गाइज इधर चल रही है किचन की सफाई, ये देखो ये ड्रॉर यहाँ पे रख दिया, इसमें सारे मसाले के डब्बे रख दिए, पीछे पता नहीं क्या क्या, अब ये एक हफ्ता तो समझने में लग जाएगा कहाँ क्या रखा हुआ है। इसमें इसमें नमक मिर्च वो आपके काम का है, बीच वाला है मेरे काम का। और इधर गैस वैस पूरा खाली कर दिया स्लैब, अब नीचे कुछ नहीं रहेगा, सब ऊपर और ड्रॉर में। अच्छा है वैसे खाली खाली, मैं देख ली तू मेरा नहीं देना है खाली, अपनी ओर से तो दर्द दे डब्बे डब्बे। यस
परीक्षित सो के उठ गया, यक दो दो फिनिश फिनिश फिनिश। अरे मम्मा की चीख पे हंसी आ गई। नहीं नहीं कब करेगा, नहीं नहीं कब करेगा भू, मैं आकू। गाइस टाइम हो गया, 10 बज गए हैं, अभी तक डिनर का कोई प्रोग्राम नहीं है। इधर परीक्षित देखो, परीक्षित 10 बज गए हैं, डिनर का कोई प्रोग्राम नहीं है, है ना। माँ जी ने रोटी भी नहीं बनाई है, क्या खाने का प्लान है भाई। छह महीने में साल माँ हाँ परीक्षित कौन सा गाना गा रहे हो? प्रिक्स ये हमारी चटोरी मम्मी हलवा खाने के लिए उत्सुक हैं। मम्मी की तलवा चटनी बन जाए वो है बहुत से, है ना। तो गाइस अभी करेंगे डिनर और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। दिन में आज काफ़ी कुछ मिस किया, बना नहीं पाए, टाइम नहीं लगा। बाकी व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट।